अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा अपना किचन। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन 1/2 kg, 3 अदद प्याज जो मैंने काट लिए, 10 से 15 मिर्चें, अदरक, लहसुन, 2 टमाटर, दही, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच धरा मिर्च। ये चिकन हम कढ़ाई के अंदर डालते हैं। प्याज भी डाल लेते हैं, प्याज भी हमने डाल दिया है। इसके बाद हमने अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च और टमाटर ग्राइंड करने हैं। ये हमारा ग्राइंड हो चुका है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। के अंदर हमने पानी डाल लिया है, थोड़ा सा ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमें ज्यादा पानी नहीं डालना, कम पानी डालना है। इसके अंदर धरा मिर्च, रेड मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च नहीं डालनी। काली मिर्च हमने तब डालनी जब हम इसकी बुनाई करेंगे। ये हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारा पानी खुशक हो चुका है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे 1 प्याली के करीब। इसको अच्छी तरह हम इसकी बुनाई करेंगे, साथ में 4 अदद सब्ज मिर्चें भी डाल देंगे साबुत। इसके अंदर काली मिर्च भी डाल देंगे। अब हम इसकी बुनाई 3 से 4 मिनट तक करेंगे। ये हमारी बुनाई हो चुकी है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसकी बुनाई हो चुकी है, अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे 2 मिनट के लिए, इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढक्कन दे के नाम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए हमारा ना हंडिया बिल्कुल तैयार हो गई है, कढ़ाई बुन चुकी है माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया, नीचे से आंच बंद कर देंगे हम। अदरक, ये हमारी चटपट कढ़ाई तैयार हो गई है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसी तरह हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करते रहें।